नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके क्रम में जनपद बाराबंकी की दो प्रमुख विधानसभाओं जिसमें से जैतपुर विधानसभा का हरक मैदान और नवाबगंज विधानसभा का GIC मैदान इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिस पर आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन कल रात से हो रही बारिश ने अब इस माहौल को बदल दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम शहर के बीचों बीच में हैं, नाका सतरिक पर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और काफ़ी तेज़ी से सौंदर्यीकरण एवं अन्य कार्य कर लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जनपद की उस स्थिति को बयां कर रही है जिस स्थिति को अधिकारियों को और माननीय लोगों को नहीं दिखाया जा सकता है। आप देख सकते हैं हवाओं के कारण तमाम बैरिकेडिंग गिरे पड़े हुए हैं और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये प्रमुख सतरिक नाके चौराहे का है। बारिश किस कदर से हुई है इसका अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति क्या है, कितना पानी भरा हुआ है और लोग इसी में से जा रहे हैं। हम उसी रास्ते पर हैं जहाँ पर जनपद बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो जनपद बाराबंकी का सरकारी खेल मैदान है, GIC मैदान है। हालांकि प्रशासन ने अब तक काफ़ी मेहनत करके उस स्थान को सही बनाया था ताकि इस पर कार्यक्रम हो सके और तमाम संख्या में भीड़ आने की एक उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कल रात से हो रही बारिश कहीं ना कहीं अब इस कार्यक्रम को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ेगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम और हमारी टीम पहुंची थी ग्राउंड जीरो पर, जहां पर स्थिति वर्तमान समय में ये है कि पूरे मैदान में पानी भरा हुआ है। हम अभी आपको दिखाएंगे, बाहर उतर कर पूरी खबर करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि इस दौरान ग्राउंड जीरो से उतर कर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर रिपोर्ट, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें साफ कर देंगे, वो तस्वीरें दिखा देंगे। ये वही स्थल है जहां पर आज जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित था। आप यहां पर स्थिति देख सकते हैं, ये सूरत हाल देख सकते हैं कि ये वही GIC का मैदान है जिसे तैयार किया गया था। सामने ऑडिटोरियम बना हुआ है, इसी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री आज संबोधित करते, तमाम लोकार्पण और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास होना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम में अब दुविधा नजर आ रही है। वो बात अलग है कि अभी प्रशासनिक सूत्रों के द्वारा इसके संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी ऐसे प्रकार की जानकारी दी गई है जो कार्यक्रम के अपडेट के संबंध में हो। लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ पूरी थी, अधिकारियों की हलचल मची हुई थी, अधिकारी पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन जिस तरह से यह माहौल दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ पर परिस्थितियाँ दिख रही हैं, यह कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर संभव हो पाएगा। जनपद बाराबंकी से कैमरा पर्सन सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा। इनका न लो, इनको मतलब